जिस पे काम करते थे, है ना जी? ठीक है, सारा ने सारा की अगर बात कर रहे हैं, मैं इन्वेस्टर, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि एक एज ए इन्वेस्टर, तो मैं एज ए इन्वेस्टर जवाब दिया कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, 100 रुपए में से मैं 10 रुपए सारा में रखा, 90 रुपए में कहीं और लगाया, तो इमरजेंसी के लिए अलग रखना पड़ता है। अगर आप ये आज सर इन्वेस्टमेंट इज द आप ये बात कन्हैया जी आप ये बात समझ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझते हैं, इसीलिए भी गवर्नमेंट को, कोर्ट को, एक सेकंड, कोर्ट को ये कहना पड़ा था कि ये जो लाइन आप बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, ये बहुत क्लियरली बोलिए, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। अब बोलिए आगे। मेरा सर मुझसे सवाल पूछे अरे इन्वेस्टर, इसलिए मेरा यही जवाब है कि 100 रुपए में से 90 रुपए कहीं और मैं निवेश करता हूँ, 10 रुपए सारा में रखा हूँ, मेरा भी है 65 लाख, तो इसका मतलब है कि मैंने पूरी दुनिया सारा में रख दिया। एक एग्जाम्पल कि आपने, आपको जो एजेंट है उन्होंने कहा कि हाँ भाई सहारा के पास इतना पैसा है, 2.5 लाख करोड़ रुपए है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट हो जाएगा, पैसा कहीं नहीं भागेगा, और पैसा इतने दिन में इतना हो जाएगा, एक्स से वाई हो जाएगा, आप एक्स अमाउंट लगा दो, इतना दिन में गारंटीड होगा। तो मैं तो एज अ इन्वेस्टर मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हाँ कोलैटरल है मेरे पास में जमा, ठीक सर। अगर आप पूरी तरह से आप ये बात से अग्री कर रहे हैं कि सारे लोग आपके तरह नहीं सोचेंगे कि हाँ मैं यहाँ एक्स अमाउंट में से एक्स वन मैं रख लेता हूँ पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए, फिर इमरजेंसी के लिए, ऐसे करके। अगर आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है तो सर जवाब देने के लिए प्लीज थोड़ा वक्त दीजिए। सारा सिंह का शुरू से ही सारा का पैसे इकट्ठा करने का जवाब दीजिएगा, यही कंसेप्ट था कि अगर 10 रुपए कमा रहे हैं तो 1 रुपए सारा में जमा कीजिए। सारा सिंह ने कभी ये नहीं कहा कि 10 रुपए कमा रहे हैं तो 10 रुपए हमको दीजिए। अगर कोई इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको रिस्क भी समझना पड़ता है, आपको रिस्क भी समझ करके इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको इमरजेंसी फंड के लिए कहीं और रखना पड़ता है। आप अगर सहारा में 15 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं और आज इमरजेंसी पड़ जाएगा तो 15 साल तक इंतजार करेंगे कि इमरजेंसी फंड में आप रखेंगे? तो इन्वेस्टर अपना सारा प्लानिंग करके पोर्टफोलियो बना के चलता है। ठीक ठीक है सर, विजय सर जी, अब मेरा तीसरा सवाल, मैं बतौर कार्यकर्ता, मेरा कमीशन सहारा में रीइन्वेस्ट है, मेरा टीडीएस सहारा में रीइन्वेस्ट है, और मेरा फ्यूचर फंड वो भी सहारा में ही है, मैंने मेरी बीवी के दोनों किडनियां डैमेज है, 20 लाख रुपए का इलाज मैं करवा चुका हूं, अब मुझे ट्रांसप्लांट करवाना है, मुझे क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए मेरी बीवी को मरने तक, या मुझे भुगतान लेना चाहिए, और अगर सहारा भुगतान नहीं दे रहा है तो मैं कानून का सहारा लूं या नहीं लूं, आप बताइए सर। बोलिए कन्हैया जी। कोई भी व्यक्ति आजाद हिंदुस्तान पे अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है कि आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा। जहां तक सहारा का भुगतान का सवाल है तो ये भी आप स्वतंत्र है कि आप लीगल कार्रवाई करके लेंगे कि सहारा सरकार की पोर्टल से लेंगे कि सहारा की ब्रांच तक से लेने की इंतजार करेंगे। आपके पास विजय सर, मैं गणेश जी का जवाब दे रहा हूँ, मुकेश जी बीच में सर इंटरप्ट कर रहे हैं। ठीक, आप गणेश जी का जवाब दीजिए, क्वेश्चन क्लियर है?
आज आजाद हिंदुस्तान में आजादी के माहौल में आप स्वतंत्र हैं, आप लीगल कार्रवाई करके भी ले सकते हैं, सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर भी ले सकते हैं, और अगर सारा पर भरोसा है तो सारा की ब्रांच खुलने तक इंतजार करके भी ले सकते हैं। सर, ये आपके विवेक के ऊपर है। इसमें मैं खुद ने बोला लीगल कार्रवाई करके ले सकते हो, कन्हैया साहब का पॉइंट नोट कर, खुद ने बोला लीगल कार्रवाई की ले सकते हो, लीगल कार्रवाई से। कन्हैया जी ने ये कहा है कि आजाद हिंदुस्तान में कोई भी अपने फैसले लेने के लिए वो है, मतलब स्वतंत्र है ना कन्हैया जी, स्वतंत्र। तो विजय सर जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि कन्हैया जी ने अभी कहा कि इनके ऑफिसर्स में कार्यकर्ता नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि लीगल कार्रवाइयां हो रही है, कमांड कार्यालय में सैलरी नहीं मिलने से और मुकदमे होने की वजह से नहीं बैठ रहे हैं लोग और डिफिशियंसी दूर नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें आम निवेशक का क्या कसूर है, जब आप खुद कह रहे हो कि हिंदुस्तान में आम निवेशक स्वतंत्र है, वो लीगल का सहारा ले सकते हैं, तो फिर वो क्या गलत कर रहे हैं सर, ये बताइए आप। विजय सर, गणेश जी हमारे वरिष्ठ हैं, 35 साल सारा को दिए हैं, और 2019-20 में लीगल कार्रवाई करके 55 लाख रुपए का भुगतान इन्होंने सीआरसी से लिया भी है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप लीगल कार्रवाई करके भुगतान लिए? सर, मैंने सीआरसीएस में शिकायत करके लिया हूं और 38 लाख रुपए लिया हूं, न कि 55 लाख रुपए लिया। आप लोग नहीं दे रहे तो सीआरसी में शिकायत करके ले रहे ना, किसी को मर्जी इच्छा तो नहीं रही, आप नहीं दे रहे तो शिकायत कर रहे हैं। आप चुपचाप दे दो ना, कोई शिकायत ही नहीं करे, आपका काम भी चले और हमारा भी चले, हमारा पैसा हमें वापस दो, हमें भुगतान कब दे रही है बता दीजिए। ठीक है, अभी अभी हम मुकेश जी, गणेश जी, कन्हैया जी, अभी हम लगभग 1.5 घंटे बात कर चुके हैं और कन्हैया जी ने आज मैं समराइज कर देता हूं, हम कल फिर मिलेंगे 2 बजे, आज मैं समराइज कर देता हूं कन्हैया जी ने क्या क्या कहा है और क्या क्या क्वेश्चन जो है। स्पष्ट मैसेज लोगों तक चला जाए कि आज जो परिस्थिति है आज जो परेशान होंगे तुम्हारे पास बोलने चालू हो रहा हूँ, बताइए चालू हो रहा है पिछले 12 वर्षों में सहारा ने जो नुकसान किया है सर, उसको भी देखना होगा। सहारा जानबूझ करके नहीं किया है, सहारा कभी भी ये मानसिकता से काम नहीं किया है कि लोगों को परेशान किया जाए, लोगों की पेमेंट को रोका जाए। जो कुछ भी हुआ है परिस्थिति वश हुआ है और आज जो कानूनी कार्रवाई आज जो बैठक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो विचाराधीन है। सारा कम नुकसान नहीं किया है, एक कॉर्पोरेट का नुकसान कितना हो रहा है, यानी आप उसको अगर आप सही में शुभ चिंतक होंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। आप सिर्फ अपनी निवेश की बात कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट के सोच से देखिए कि सारा को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कोई जान बुझ करके इतना बड़ा नुकसान नहीं करता। इसलिए परिस्थिति को समझिए, सबका पेपर देने की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि किसी का पेपर मिल जाएगा किसी का नहीं। 10 साल परिस्थिति 10 साल से सुन रहे हैं हम, 10 साल। कन्हैया जी ने मैसेज दिया, बता दीजिए सर। कन्हैया जी ने मैसेज दे दिया, एक सेकंड मुकेश जी, आप भी कुछ मैसेज देना कर दीजिए जी। आप भी मैसेज देंगे मुकेश जी? नहीं मैं इससे सवाल पूछना चाहता हूँ, कल पूछ के आवे ये कल के आताओं से पूछ के आवे सब, हाँ, सारा सवाल बोलिए, पूछ के आवे ये
कि भुगतान किस डेट से स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांचों से, ये बता दे मुझे किस डेट से, और जो कैंसर पीड़ित बीमार है उनका भुगतान कब दे रहे या उसको मरने के लिए छोड़ दे, इसका जवाब इनसे दीजिए। मरने वालों को मरने दे, उसका पैसा नहीं देंगे, उसका इलाज। मुकेश जी का सवाल, मुकेश जी का सवाल हो गया। गणेश जी आपका कोई सवाल रह रहा है अभी कल के लिए? विजय सर मैं आपके माध्यम से इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सहारा ने बीते 12 वर्षों में बहुत कुछ खोया है, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन उस आम निवेशक का क्या कसूर है, उस कार्यकर्ता का क्या कसूर है जिसने 12 सालों में खोया है, वो इसका खामियाजा क्यों भुगत रहा है सर? ठीक, तो मैं समराइज कर देता हूं। अभी जो लास्ट में कनाई जी ने आज आकर के कहा, कनाई जी ने यह कहा कि दिवाली 2024 से पहले पेमेंट होना चालू हो जाएंगी। ठीक कनाई जी, सैलरी कमीशन इंसेंटिव ऑफिस सैलरी 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 माय बैड सैलरी सैलरी कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, और सारा जो है वो तत्पर है, वो मतलब पेमेंट करने के लिए, सभी का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर है। दूसरा, आपने ये कहा कि हिंदुस्तान आजाद है, लोग अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं, जो जिसके मन में जो आए, नीति संगत कार्रवाई। ठीक, और क्वेश्चन अब आता है, क्वेश्चन मुकेश जी का, जिसका आप कल आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है मुकेश जी का, वो ये है कि ब्रांच किस डेट से खुलेंगी। और गणेश जी का क्वेश्चन है कि सहारा के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, लेकिन जो डेली वेज वर्कर्स थे, जो छोटे इन्वेस्टर्स थे, उनकी क्या गलती है? सर मेरा क्वेश्चन था ब्रांच किस डेट से, भुगतान कब से चालू होगा, ये पूछा ब्रांच। अच्छा, ब्रांच किस डेट से नहीं, भुगतान किस डेट से चालू, ब्रांच खुल तो भुगतान किस डेट से चालू, ब्रांच के थ्रू भुगतान, ब्रांच के थ्रू भुगतान, ये तो आंसर कर चुके हैं ये। इन्होंने कहा कि उसके लिए इन्होंने कहा उसके लिए आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं, डेट नहीं बताया था इन्होंने। तो वो डेट चाहिए, हमें डेट चाहिए कि डेट से चालू कर रहे भुगतान, ये बताए, डेट बताए, डेट के साथ आ गई, अगली बार आ रहा था डेट के साथ, नहीं तो आवे ही नहीं है, डेट के साथ आ रहा, भुगतान कब चालू होता। अब हम इस डिबेट को अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं, कल आप लोगों से फिर इसी 2 बजे ही जुड़ेंगे हम, और उम्मीद करते हैं कल कन्हैया शाह कुछ और हमारे लिए अपडेट्स लेकर आए। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सभी के लिए ओपन है, सभी अपने बात आकर के रख सकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।